Hello everyone. In this video, I'll tell you how to prepare for English section of any competitive exam. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें कैसे करें, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई जिसमें पूरा का पूरा स्टडी प्लान है. बेसिकली हम इंग्लिश को तीन सेक्शंस में डिवाइड करेंगे अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए. सबसे पहला सेक्शन जो मैंने इंग्लिश को दिया दैट इज ग्रामर. सेकेंड सेक्शन इज वोकैबुलरी एंड थर्ड सेक्शन इज प्रैक्टिस. You have to divide your preparation in these three sections. आपको अपनी preparation को इन तीन sections में divide करके चलना है. अगर मैं grammar की बात करूँ, let us understand कौन कौन से वो topics हैं जो हमें आने चाहिए. अगर हमें bank का exam देना है, अगर हमें SSC का exam देना है, कौन कौन से वो topics हैं उनकी एक list बना लेते हैं. आप भी अपनी copies में उनकी list बना लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको English का पूरा syllabus नहीं पता होगा आप उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे. क्या क्या टॉपिक्स हमारे ग्रामर में हैं जो हमें पढ़ने हैं. वी हैव नाउंस, वी हैव प्रोनाउंस, वी हैव वर्ब्स जिसमें हम बेसिक की भी बात करेंगे एंड एडवांस्ड. वी हैव एडजेक्टिव्स, वी हैव एडवर्ब्स, वी हैव प्रपोजिशंस, we have conjunctions, we have interjections. ये हमारे आठों के आठों दी, we have these eight figures of speech. Then we have voice, we have narration, we have tenses, we have conditional sentences. We have sequence of tenses. We have subject verb agreement. सो बेसिकली हमारे ग्रामर के ये सारे कंसेप्ट हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं अपने किसी भी एग्जाम से पहले. इतने से कॉन्सेप्ट, इनमें 8 to 10 कॉन्सेप्ट्स और. अगर मैं प्रोनाउंस की बात करूँ 8 से 10 कॉन्सेप्ट्स और हैं इसके अंदर जो मुझे पढ़ने हैं. मैं प्रोनाउंस की बात करूँ, मैं वर्ब्स की बात करूँ, सो इन टोटल ग्रामर हमें ये पढ़नी है. नाउ कमिंग टू द वोकैबुलरी. वोकैबुलरी आई थिंक सभी को पता होगी वोकैबुलरी क्या होती है. वर्ड मीनिंग्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं. एक बार लिस्ट बना लेते हैं वोकैबुलरी में हमें क्या क्या पढ़ना है. वोकैबुलरी में वी हैव सिनोनिम्स, वी हैव एंटोनिम्स, वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वी हैव ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वी हैव कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स, ये कॉमनली कंफ्यूजिंग पेयर्स, एंड वी हैव फ्रेजल वर्ब्स. ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे वोकैबुलरी का पार्ट हैं. ये सारे टॉपिक्स हमें वोकैबुलरी के लिए पढ़ने होंगे. वन इंपॉर्टेंट थिंग, वोकैबुलरी याद करने के बहुत सारे तरीके हैं. जैसे एक मेथड है रूट वर्ड मेथड, एक मेथड है निमोनिक्स. बहुत सारे मेथड से हम मिलजुल के इन सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग्स याद करते हैं. फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं बच्चों. फ्रेजल वर्ब्स आर वर्ब्स प्लस प्रपोजिशंस. कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स, दो वर्ड्स हमें एक जैसे लगते हैं देखने में बट उनका मीनिंग एकदम अलग होता है. लाई एंड ले. ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको एक बहुत लंबा सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस की जगह आपको एक वर्ड लिखना है. फॉर एग्जाम्पल वन हु टॉक्स अ लॉट, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, लोक्वेशियस. एंटोनिम्स ऑपोजिट्स, सिनोनिम्स सेम मीनिंग्स. कमिंग टू द थर्ड सेक्शन जो कि हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है, इसमें हमें किस किस चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है. हमें क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना है, हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करने हैं, हमें पैरा जंबल्स प्रैक्टिस करने हैं, हमें फ्रेज रिप्लेसमेंट प्रैक्टिस करना है,
हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस करना है. और हमें एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करना है. बेसिकली ये पूरा का पूरा हमारा एंटायर इंग्लिश का सिलेबस है. अगर मुझे ये पूरा का पूरा सिलेबस पे मेरी कमांड है, दैट मींस आई एम रेडी टू गिव माय एग्जाम. मैं अपना एग्जाम देने के लिए एकदम तैयार हूँ. अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, क्लोज टेस्ट, आपको एक पैसेज दिया गया होगा, बीच बीच में ब्लैंक्स होंगे. यू हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज के बेसिस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. पैराजम्बल्स, आपको सेंटेंसेस दे रखे होंगे, उन सेंटेंसेस को अरेंज करके आपको एक कोहरेंट एंड लॉजिकल पैराग्राफ बनाना है. फ्रेज रिप्लेसमेंट, आपको एक फ्रेज दिया गया है, उसको आपको रिप्लेस करना है और अच्छे बेटर फ्रेज के साथ. सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको वो सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, उसको और अच्छा बढ़ाना है. एरर डिटेक्शन, आपको सेंटेंस के अंदर कहाँ गलती है वो चीज़ फाइंड आउट करनी है. तो हमें इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए इन सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर एक कमांड बनानी होगी, जो मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको एक एक टॉपिक लेके कराती चलूँगी. अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं विद इन, अगर मैं 4 to 5 months की बात करूँ, उसमें हमारे PO के एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे, हमारा SSC भी आ जाएगा, हमारे सारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे. स्ट्रैटेजी हमें क्या बनानी है, हमें एवरी डे 1.5 hours ग्रामर को देना है, 1 hour वोकैबुलरी को देना है एंड 0.5 hours प्रैक्टिस को देना है. बेसिकली स्ट्रैटेजी ऑफ 3 hours, अगर आप 3 घंटे रोज़ इंग्लिश को देते हैं, इतना टाइम ग्रामर को देते हैं, इतना टाइम वोकैबुलरी को देते हैं, इतना टाइम इन सब प्रैक्टिस को देते हैं, देन यू कैन ईजिली अटेन वेरी गुड मार्क्स इन योर कमिंग एग्जाम्स. आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू.